नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातक जातिकाओं की फरवरी 2022 के राशिफल में। तो सबसे पहले हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। तो आइए शुभारंभ करते हैं मकर राशि का मासिक राशिफल फरवरी 2022 का। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार और नौकरी की। अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं, आपकी अच्छी डील हो सकती हैं, और अच्छी ध्यान से अपना काम करेंगे तो कई सारे मौके आपको मिल जाएंगे आगे बढ़ने के मार्केटिंग लाइन में। और अगर आप ध्यान से काम नहीं करेंगे तो कई मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। व्यापारी वर्ग अपनी दुकान को सजने संवारने में पैसा खर्च करेगा, दुकान को और अच्छा बड़ा बनाने में पैसा खर्च करेगा, और कुछ बड़े बड़े समझौते भी होंगे। अब दुकान में कुछ बढ़ोतरी होगी तो धन खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़िया है, आप अपनी दुकान को नए जमाने के साथ बदल पाएंगे। नौकरी में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, धैर्य से काम लिया तो सुलझ जाएंगी, आपके काम की प्रशंसा होगी, आपके जो साथ के लोग हैं वो आपको भरपूर साथ देंगे, आपके साथ के लोग आपके काम के बोझ को कम करने में आपकी मदद करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय मध्यम है, और आप ये समझ लीजिए कि नौकरी पेशा लोगों की जमीन उतार चढ़ाव आता रहेगा, कभी काम कम कभी ज्यादा, कभी सपोर्ट मिला कभी सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए थोड़ी परेशानियां तो रहेंगी। कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी और व्यापार में आप सावधानी पूर्वक काम करें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। आप सभी काम गंभीरता पूर्वक करें, छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, अपने साथियों से प्यार से बात करें, अपने काम निकलवाने की कोशिश करें। कारोबार में समय जो है बेहतर है, आप आगे बढ़ने के जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल रहेंगे। तीसरे और चौथे सप्ताह में आपको और अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे, नौकरी व्यापार में परेशानियां कम हो जाएंगी और सफलता मिलेगी, और अपने व्यापार को आप आगे बढ़ा पाएंगे, नए ऑर्डर्स ले पाएंगे, नई चीज़ें कर पाएंगे, नौकरी में भी पदोन्नति हो सकती है, या फिर जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको तरक्की मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, कोई नया काम शुरू हो सकता है, नौकरी के साथ छोटा मोटा व्यापार शुरू हो सकता है, घर में आमदनी के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, तो मकर राशि वालों के लिए यह समय ठीक साबित होगा। आप पैसा तो जरूर कमा पाएंगे और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके काम में आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, आमदनी होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की है, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। घर के अन्य सदस्यों की नौकरी लगना, उनकी तरक्की से आपका दिल खुश हो जाएगा, व्यापार में किए गए प्रयास सार्थक रहेंगे, व्यापार बढ़ेगा आगे, जिसकी वजह से खर्चे भी होंगे आमदनी भी होगी। तो उपयुक्त समय है पैसा लगाने, पैसा कमाने, नौकरी करने और नौकरी में सफलता पाने के लिए, और निवेश करेंगे तो और भी लाभ हो सकते हैं, और पुराने दिनों के किए हुए फैसले भी आपको सफलता दिला सकते हैं, कुछ कारोबारी कुछ नया करके मोटा मुनाफा भी कमा पाएंगे, तो पैसा भी आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पारिवारिक स्थिति की बात करें और सेहत की बात करें तो पारिवारिक कलह कलेश, परिवार के लोगों के बीच की किचकिच जो है वो सुलझती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़े दिन की शांति के बाद फिर बाधाएं आ जाएंगी। जमीन के कोई पैतृक संपत्ति का मामला है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है घर वालों के बीच में, कोर्ट कचहरी का मामला जो है वहां पर आपको तनाव हो सकता है, आपके भाइयों से आपका विरोध हो सकता है या झगड़ा हो सकता है भाई बहनों से। रूठे हुए भाई बहन को बनाने की कोशिश करिएगा, घर के बड़े बुजुर्गों से प्यार से बात करिएगा। पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना अच्छा नहीं है, स्थिति खराब हो सकती है, बच्चों से लेकर मनमुटाव हो सकता है, आपकी नकारात्मक छवि लोगों को दिखाई पड़ सकती है, बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं। मकर राशि के लिए कठिनाइयां परिवार में आएंगी, उतार चढ़ाव भरा रहेगा, इसका फर्क आपके व्यवसाय और करियर और शिक्षा पर भी पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों की नाराजगी होने की वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी और बढ़ सकती है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। महीने के अंत में घर में कोई शुभ काम हो सकता है, जिस शुभ काम की वजह से आप लोगों की थोड़ी सी मित्रता बढ़ जाएगी। घर में शादी विवाह के योग हैं, जिसकी वजह से मजबूरन आप लोगों को एक साथ होना पड़ सकता है। संतान के जन्म होने की वजह से भी खुशियां वापस आ सकती हैं घर में और लोगों का तालमेल हो सकता है, ये सब तीसरे और चौथे सप्ताह में होगा। तो स्वास्थ्य की बात करें तो घर में अशांति हो तो स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा रहता है, कोई पहले से गंभीर समस्या है तो वो बढ़ सकती है, और कुछ चीज़ों में आराम भी मिलेगा, सरदर्द की समस्या दूर हो जाएगी, माइग्रेन दूर हो सकता है, कोई बड़ा रोग समाप्त हो सकता है, पेट की समस्याओं से सतर्क रहिएगा। सेहत
में कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, फिर भी लापरवाही छोटी दिक्कत को बड़ा बना सकती है। और पानी सही पीजिएगा, क्योंकि पानी गलत पीने की वजह से, गंदा पीने की वजह से पेट में दर्द या पेट में कोई और दिक्कत हो सकती है। बात करेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि परिवार में तालमेल ठीक न होने की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ी रह सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, संबंधों में दरार आ सकती है, एक दूसरे पर शक कर सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप लग सकते हैं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आप अपने पार्टनर में बहसबाजी में फंसे रहेंगे, एक दूसरे के बीच में तनाव होगा और विवाद बढ़ता चला जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मनपसंद पार्टनर नहीं मिलेगा, कहीं बात चल रही है तो वहां पर भी निराशा होगी। प्रेम संबंध बीच बीच में कभी थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर समय परेशानी भरा ही रहेगा। शुरुआत के 2 हफ्ते बहुत परेशानियों में बीतने वाले हैं, और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और मित्रता में सावधानी बरतिएगा। 3-4 सप्ताह में थोड़ी थोड़ी स्थिति सुधरेगी और आप एक दूसरे को विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे, और जो भी परेशानियां हैं उनका थोड़ा बहुत अंत होता हुआ नजर आएगा, और फिर भी तनाव बना रहेगा। तो मैं यही कहूँगा, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में समय बहुत बढ़िया नहीं है। शुरुआती 2 हफ्ते कठिनाइयों के हैं, अंतिम 2 हफ्ते धीमे धीमे से प्यार बढ़ेगा, लेकिन फिर भी तनाव रहेगा। तो मानसिक तनाव होने की वजह से इसका फर्क आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में पड़ सकता है, तो सावधानी बरतनी होगी। बात करें शिक्षा और करियर की, तो अगर आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं या महिला हों चाहे पुरुष हों, तो तनाव रहेगा। परिवार में तनाव की वजह से पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं होगी। कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी टीचर से आपको थोड़ा सा डांट खानी पड़ सकती है। काम यानी पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में भ्रमित रह सकते हैं। करियर की इच्छा तो रहेगी कि नौकरी कर लें, पार्ट टाइम नौकरी कर लें, लेकिन भ्रमित रहेंगे यहाँ की जाए कि वहाँ की जाए। सब्जेक्ट चुनने में परेशानी हो सकती है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, और लेकिन कठिन मेहनत से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। भविष्य का मार्ग 3-4 हफ्ते में थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए 3-4 सप्ताह बढ़िया है। करियर को लेकर यहाँ पर आप सजग रहेंगे और सही तरीके से काम करेंगे। तो करियर के मामले में यही कहूँगा, 3-4 हफ्ते में ही बड़े निर्णय लीजिएगा किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में फीस भरने की, वरना शुरुआती दिनों में आप भ्रमित रहेंगे तो कोई गलती कर सकते हैं। बात करें आपके लिए लकी अंक की, तो 6 नंबर अच्छा है और हरा रंग आपके लिए अच्छा है। और इसके अलावा हनुमान जी की उपासना करने से, शिव जी की उपासना करने से आपका कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप निरंतर जाप कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो घबराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो फिर आप कुंडली की जाँच जरूर कराएं, ताकि आपको सही परिणाम प्राप्त हो सके। तो ये महीना जो है आपके लिए करीब करीब 60% ही अच्छा है, या मैं कहूँ 55-60% ही अच्छा है। बाकी और अच्छा बनाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं और कुछ उपाय भी करने पड़ सकते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा तकलीफों में आते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि किन उपायों से आपका यही महीना अच्छा भी हो जाएगा। नमस्कार।